जब ये पट्टियां खुलेंगी तो तुम्हारा चेहरा मोहरा पूरी तरह से बदल चुका होगा, पहचान नहीं पाओगे अपने आप को। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि कोई मुझे पहचान न पाए, तभी तो मैं वो काम कर पाऊंगा जिसके लिए मैं जी रहा हूं। ऐसे सिंहासन पर बैठेगा हमारा पुत्र प्रताप। बाया, पकड़ लो इसे और डाल दो काल कोठरी में। क्षमा कर दीजिए हमें। हमसे भूल हो गई, अब से हम सिंहासन ठीक से साफ करेंगे। क्षमा कर दीजिए हमें चीजें, क्षमा कर दीजिए। ले जाओ इसे। क्षमा कर दीजिए महारानी जी, हमसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हुकुम, 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 हमें बचा लीजिए। हुकुम। धीरबाई जी, अब हम मेवाड़ के महाराणा नहीं रहे, मेवाड़ के महाराणा हैं प्रताप, महाराणा प्रताप। ले जाइए इनको यहाँ से। तो आपने प्रताप को मेवाड़ का राजा क्यों बनने दिया? क्योंकि आपने हमारे साथ ऐसा राणा जी, क्योंकि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों बनने दिया प्रताप को मेवाड़ का राजा? बताइए राणा जी, बताइए राणा जी, बताइए, बोलिए राणा जी, बोलिए, आपने प्रताप को मेवाड़ का राजा क्यों बनने दिया? बोलिए राणा जी, बोलिए, बोलिए, बोलिए राणा जी, बोलिए। हो जाइए, शांत हो जाइए महारानी सा, होश में आइए, संभालिए अपने आप को महारानी सा, संभालिए। याची, हम तो यहाँ सो रहे थे ना, फिर क्या हुआ? महारानी साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। महारानी साहब, लगता है आपने फिर से कोई डरावना सपना देखा है। अब शांत हो जाइए महारानी साहब, होश में आइए, संभालिए अपने आप को। महारानी साहब, लगता है वो शुभ घड़ी आ गई है, संभालिए। धीर भाई साहब की प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई है, अब वो खुशी के पल आने ही वाले हैं। धीर भाई साहब की सच? हाँ रानी सा। अरे वाह, ये लो, कितना अच्छा समाचार दिया है तुमने हमें। और जाओ जल्दी तुरंत राणा जी को शुभ समाचार दो, तुमने तुम्हारा दिल ही खुश कर दिया। और सुनो, नए राजकुमार के आगमन की खुशी में इस राजमहल को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाओ, हम बहुत खुश है। महारानी सा, महारानी सा, क्या बात है सुलेखा? धीर भाई सा की प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है। ये लो। इसका मतलब ये हुआ ना रानी माँ, कि हमारा छोटा भाई अभी किसी भी समय जन्म ले सकता है। हाँ कुंवर प्रताप, अब वो शुभ घड़ी आने ही वाली है, हम अभी छोटी माँ को देखकर आते हैं। प्रताप आपका तिलक। आप ठीक तो है ना?
कहीं चोट तो नहीं लगी? हम बिल्कुल ठीक है रानी माँ, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बस छोटी माँ को मिलकर आते हैं। आप सब भी अपना काम करते रहिए, चलते रानी माँ। महारानी साहब, जैसे ही रानी धीरबाई के होने वाले बच्चे का समाचार बावजी राज को मिला है, वैसे ही उनके साथ ये अपशकुन हुआ है। एक लिंची बुरा न करे महारानी साहब। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। एकलिंगाय नमः स्वाहा, ओम एकलिंगाय नमः स्वाहा। पंडित जी, इस हवन के बाद तो हमारे होने वाले पुत्र पर इस तिथि का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा ना? राणा जी, वैसे आज का षष्ठी वाला ये दिन नवजात के लिए तो अशुभ ही है, किंतु मुझे पूरी आशा है कि इस यज्ञ में आपके द्वारा दी जाने वाली ये अंतिम आहुति इसके सारे दुष्प्रभावों को रोक लेगी। यज्ञ में अंतिम आहुति दे राणा जी। जी पंडित जी। पुनः आहुति दे राणा जी। अविश्वसनीय। क्या हुआ पंडित जी? राणा जी, इतना सारा घी डालने के बाद भी हवन वेदी से धुआं ही धुआं उठ रहा है। अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। इसका क्या अर्थ है पंडित जी? अपशकुन राणा जी, अपशा। किंतु आप चिंता ना करें, व्यक्ति अपने प्रतिदिन के शुभ कर्मों से नियति के लेख बदल सकता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि राजकुमार जन्म लेने के बाद अपनी नियति स्वयं घड़ेंगे। खम्मा घड़िया ने दाता, मेवाड़ की प्रजा अपने महाराणा की प्रतीक्षा कर रही है। जाइए राणा जी, जितने पुण्य कर सकते हैं करें। आप गरीबों को जितना दान करेंगे, आपके होने वाले राजकुमार को उसका उतना ही लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, आज्ञा दीजिए। छोटी माँ, हमारा छोटा भाई कब जन्म लेगा बताइए ना। छोटी माँ, उसे पता नहीं है कि हमें गुरुकुल भी जाना है। माँ आप ही कहिए ना। प्रताप, आपके छोटे भाई उसी समय जन्म लेंगे जिस समय उन्हें जन्म लेना होगा। अब आप गुरुकुल जाइए, आपको देर हो रही। पर रानी माँ, यदि उन्हें जन्म लेते ही हमारी आवश्यकता पड़ गई तो हमें ऐसे समय उनके साथ रहना चाहिए ना। आपके छोटे भाई की हर आवश्यकता पूरी करने के लिए हम सब हैं यहाँ। अब आप समय पर गुरुकुल जाकर आपके छोटे भाई के लिए आदर्श प्रस्तुत करें, जाइए। पर जैसे हमारा छोटा भाई जन्म ले, आप ये शुभ समाचार हमारे गुरुकुल भिजवा दीजिएगा। अवश्य, हम अवश्य ऐसा करेंगे। अब जाइए, जल्दी आइए हमारे छोटे भाई, हमें आपसे ढेर सारी बातें करनी है। चलते हैं रानी। महारानी साहब, आपको धीरबाई जी बुला रही है। जीजा, जीजा। कहिए धीरबाई जी, क्या चाहती हैं आप हमसे? जीजा, हमें बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। जीजा, बहुत बुरे विचार आ रहे हैं। हमें न जाने क्यों प्रताप का भय मन से जाता ही नहीं है। जीजा, क्या करें? न जाने क्यों ऐसा लगता है जीजा कि प्रताप की कीर्ति के आगे हमारे बच्चे की पहचान गुम हो जाएगी। जीजा, आपने हमें रामायण सुनाई ताकि हमें अच्छा लगे। हमें अभी भी बुरे ख्याल आ रहे हैं जीजा, हमें अभी भी बुरे ख्याल आ रहे हैं। हमारे लिए रामायण पढ़िए जीजा, रामायण पढ़िए हमारे। हाँ धीर भाई जी, भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा।
कहके इन्हें मंत्रा से डांटते हुए कहा, तू मुझे मेरे राम के विरुद्ध भड़काना चाहती है? तू मुझ में राम और भरत के लिए विद्वेष का विष भरना चाहती है? चली जा यहां से। अपने आंखों की पट्टी खोलिए। बताइए। क्षमा कीजिए गुरुवर, वो अचानक से हमारे कानों में हमारे नवजात छोटे भाई के रोने के स्वर गूंज रहे थे। आपको अभ्यास करते कई माह हो चुके, किंतु आज भी अपनी भावनाओं के कारण अपने ध्यान भंग होने की समस्याओं पर नियंत्रण करना नहीं सीख पाए हैं आप अपनी असफलताओं से उभरना चाहते हैं भी या नहीं? अब आगे से ऐसा नहीं होगा गुरुवर, हमें क्षमा कर दीजिए। माल मंगवाया था वो आ गया। बात तो समझ में नहीं आ रही है, ये आत्मघाती काम क्यों कर रहे हो तुम? इसी सुनसान जगह पर भी तो ये माल लिया जा सकता था। सुनसान जगह पे किया गया कारोबार तुम्हें चित्तौड़ के किले तक नहीं पहुंचाएगा। ये बेहतरीन बारूद है, सीमा पार से मंगवाया है, 50 मूरों से कम नहीं लूंगा इस काम में। 50 नहीं, 100 रख लो। इतने तो साधारण मेवाड़ी हो और अशरफिया इसे बांट रहे हो कि कहीं के राजा हो। लेके आ गया, लेके आ गया। हट हट। पता किसका है माल? मैंने मैंने सच सच बता, वरना मैं खाल खींच लेंगे। पकड़ इसे। माफ कर दो। क्षमा, बारूद खरीदते हो और क्षमा मांगते हो? नहीं। जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें सालों काल कोठी में सड़ना होगा। नहीं 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 नहीं। चलो, इसका न्याय मेरा नाथ करेंगे। चलो। गरीब आदमी भाई। अरे अरे। अरे वीरदास, उठिए। शांतनु, आज की अंक तालिका क्या कहती है? गुरुदेव, शक्ति के अंक उसे अंतिम परीक्षा के योग्य बना चुके। शांत हो जाओ। बाजीराव प्रताप और मानसिंह, आप दोनों के समान अंक आए। बहुत अच्छा कुंवर शक्ति। अब अंतिम प्रतिस्पर्धा के लिए कुंवर शक्ति के साथ कौन भाग लेगा, कुंवर प्रताप या मानसिंह, कल तय होगा। बाबूजीराज, आप सब पंक्ति बनाकर खड़े हो जाएं। घमागणी बाबूजीराज, घमागणी शक्ति सिंह, छोटे राजकुमार सर का जन्म हो गया है। हमने कहा था ना गुरुवर कि हमारे कानों में हमारे छोटे भाई का रोना सुनाई पड़ा है। हमें तो तब से ही पता चल गया था जब हमारे छोटे भाई संसार में आए थे। गुरुवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या भाई शक्ति और हम हमारे छोटे भाई को देखने जाए? अब जा सकते हैं। धन्यवाद गुरुवर। चलिए भाई शक्ति। गुरुवर,
एक योद्धा बनने के लिए हमने आपसे इतना कुछ सीखा है, यह हमें समझ में ही नहीं आ रहा हम आपका आभार कैसे व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर। चलिए दादा जी, भाई जी, इतना अनमोल उपहार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी माँ, हमारा छोटा। वहीं रुक जाइए कुंवर प्रताप। जब आपकी छोटी माँ को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी आपकी, तो आप कहाँ थे? क्यों इतनी देर लगा दी आने में? क्षमा कर दीना छोटी माँ। धीरबाई जी, इस बार कुमार प्रताप को क्षमा कर दीजिए। वो अपने भूल का पश्चाताप अपने छोटे भाई का नामकरण करके करेंगे। सच में छोटी माँ? अम्मा गनी महाराणा साहब नगर कोतवाल आपके दर्शन करना चाहते हैं। लीजिए कुंवर प्रताप, अपने छोटे भाई को समझाइए। हम आपका इतना सुंदर नाम रखेंगे, इतना सुंदर नाम रखेंगे कि सारा संसार आपको हमेशा याद रखेगा हमारे छोटे भाई। राणा जी, हमारे आदेश पर नगर अधीक्षक ने जिस व्यक्ति को भी संदेहास्पद कार्य करते हुए देखा है उसे बंदी बनाकर इस ग्रह में डाल दिया। हमें लगता है कि इन सभी व्यक्तियों के लिए एक कठोर दंड निर्धारित किया जाए, ताकि हम पावजी राज प्रताप पर हुए इस प्राणघाती आक्रमण के षड्यंत्र का पता लगा सकें। रावत जी, अगर इनमें से किसी का भी हमारे शत्रुओं से कोई नाता नहीं निकला तो? आपका कहना उचित है राणा जी, किंतु इन सभी व्यक्तियों ने कार्य तो दंडनीय किया ही है। चलिए, इन्हें पकड़ते समय हमें जिस जिस के लिए जिस जिस अपराध की संभावनाएं दिखी वो हमने रावत जी को बता दिए। हुकुम, आप इन्हें जो दंड देना चाहें हमें आदेश। हम इन सभी अपराधियों को आज क्षमादान देते हैं। हम चाहते हैं कि इन सभी को रिहा कर दिया जाए। राणा जी क्षमा कीजिए, किंतु इनमें से कुछ का अपराध बहुत गंभीर है। रावत जी, क्षमा हर घृणा को, हर क्रोध को, हर कुंठा को भलाई के रास्ते पर ला सकते। आज हमारे पुत्र का जन्म हुआ और हम अपनी ओर से और अपने नवजात पुत्र की ओर से क्षमादान की पहल करते हुए आप सभी से अपेक्षा करते हैं कि आप
अपना नया जीवन शुरू कर, वो जीवन जिसमें अपराध नहीं बल्कि क्षमा, प्यार और हमारे बेटे के लिए आशीर्वाद। Yeah!